नमस्ते बच्चों, आज हम जो गाला असाइनमेंट है हिंदी का, उसमें हम आज प्रश्न 3 देखेंगे। अगले में हमने प्रश्न नंबर 2 देखा था, तो आज प्रश्न 3 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखो। तो इधर उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार हमें उसका वाक्य बनाना है, जो है प्रकरण 12 और 12 से 22 तक के। तो पहला है, उसमें पहला खेलना। तो इधर उदाहरण दिया गया है खेलना, तो बच्चे खेल रहे थे। दूसरा पढ़ना, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तीसरा कहना, तो बच्चे कह रहे हैं। चौथा देखना, तो बच्चे देख रहे हैं। नाचना, तो बच्चे नाच रहे हैं। बहना, तो बच्चे बह रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे, उसमें पहला है हाथी। तो हाथी एक बड़ा प्राणी है। सूंड, तो लंबी लंबी सूंड है, हाथी की लंबी सूंड होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर आगे तीसरा पाँव, खंभे जैसे पाँव है। फिर पिलवाल, तो जिसके ऊपर जो बैठा है। फिर पांचवा पगड़ी, महावत बैठ पगड़ी बांधे है। फिर प्रश्न 3 ब, उदाहरण के अनुसार शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य लिखो। इधर उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार शब्द क्रम में हमें लिखने हैं। तो प्रकरण 18, उस यहाँ उदाहरण इसका दिया गया है। है पेड़ पर टोली बंदरों की। तो ऐसे अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, तो उसका हमें एक वाक्य पूरा बनाना है सही से जोड़ के। तो बंदरों की टोली पेड़ पर है। देखिए बंदरों की, तो ये पहले आएगा बंदरों की टोली, यहाँ टोली पेड़ पर है ऐसे। अब दूसरा, प्यास खूब कबूतर को लगी है। तो पहला वाक्य कौन सा है, तो कि कबूतर को प्यास खूब लगी है, ऐसे लिखना है। देखिए इधर लिखा हुआ है। फिर आगे का देखिए, बहुत अच्छी लगती है मुझे जलेबी। तो मुझे पहले आएगा, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लिखना है। फिर तीसरा, नीचे समर सिंह गए रह। तो समर सिंह नीचे गए रह गए, बराबर समर से नीचे रह गए। फिर चौथा, लड़की थी छोटी दुबली पतली। तो छोटी लड़की दुबली पतली थी। फिर पांचवा, है उड़ता विमान आकाश में। तो विमान
आकाश में उड़ता है, ऐसे बनाना है। फिर छठा है, रहता सिंह जंगल में, तो जंगल में सिंह रहता है, ऐसे वाक्य बनाने हैं। यहाँ सारे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। अब प्रश्न 3 क, प्राणी पक्षी को पहचान कर कोष्टक में से उनके नाम चुनकर लिखिए। तो यहाँ कोष्टक दिया गया है, तो चित्र के नीचे उनके नाम लिखने हैं हमें, तो कोष्टक में नाम दिए गए हैं इस तरह से कि तीतर, काका कुआ, नेवला, भेड़, पंडू, गोरैया, भालू, गाय, भैया, बाघ, ऊंट, कठफोड़वा, हाथी, सिंह और मोर, बराबर। तो ऐसे काउंट्स में दिए गए हैं, तो चित्र पहचान कर हमें उसके नीचे उसका नाम लिखना है। तो चित्र इधर दिया गया है, पहला चित्र कौन सा है, तके सिंह का पहला चित्र है सिंह, तो इधर लिखना है हमें सिंह। दूसरा है पांडू, तो इधर हमें लिखना है पांडू। फिर तीसरा है हाथी का, तो इधर लिखना है हमें हाथी। फिर आगे का चित्र गाय, तो ये गाय का चित्र है, तो हमें लिखना है गाय। गोरैया, तो इधर खाली जगह में हमें लिखना है गोरैया। भेड़, भेड़ का चित्र है, तो इधर नीचे भेड़ लिखना है। फिर है काका कौवा, तो हमें काका कौवा इधर लिखना है। फिर है आठवां कठफोड़वा का, तो हमें इधर लिखना है। फिर है नौवां ऊंट, ऊंट का चित्र, तो ऊंट लिखना है हमें। फिर मोर, मोर का चित्र है, तो हमें इधर मोर लिखना है। ग्यारहवां है बाघ, तो बाघ का चित्र है, तो इधर हमें बाघ लिखना है। फिर भालू का चित्र है बारहवां, तो इधर भालू लिखना है हमें। फिर है तेरहवां गिद्ध, तो गिद्ध का है ये नेवले का चित्र है। चौदहवां तो नेवला लिखना है इधर। ग्यारहवां है चूहा, तो हमें वो लिखना है। फिर इधर इन सभी चित्र के उत्तर दिए गए हैं, देखिए। तो ये लिखना है आपको। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लिखेंगे ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और हम अगला वीडियो प्रश्न 4 और अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर दिए गए सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।